हम एक ही कश्ती में सवार हैं भट्टी साहब, चाहे हमारी कश्ती डूब रही हो हम कुछ कर नहीं सकते। रोज रोज तुम इतना जलील होता रहा, तो यही आश्चर्य कर रही है, पता कब तक चल रहा है ड्रामा। किसी से जिक्र ना करेगा लेकिन मैं यहाँ शादी करने वाला हूँ। है गोरी नहीं है, पाकिस्तानी है। She is not that kind. Then what is it? Because every time she calls, she texts you, and you're with her, and you're smiling, and you're laughing. What is that? Because I love her. होना क्या था मैडम? वो आदमी लंच करने आया था, जमशेद ने खड़े-खड़े उसकी बेइज्जती कर दी और उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। जमशेद, क्या प्रॉब्लम? उस आदमी ने मेरे पाकिस्तानी होने पे इंसल्ट की। वो आदमी खुद देसी था, किसी और की उसकी बेइज्जती नहीं की, इसकी कहां से कर दी? मेरी तो की। जमशेद, I'm sorry, Michelle. मैं इसकी बात यकीन नहीं कर सकता। ओह, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? छूट का तो मुझे पता नहीं, सच तुम बोल ही रहे। अच्छा अब समझा, तुम्हें मेरे मैनेजर होने से प्रॉब्लम है। जिस दिन से मैं मैनेजर बना हूं तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई है। अच्छा जमशेद छोड़ो। नहीं नहीं जरा बताओ मुझे कैसी लगी मेरी प्रमोशन अदान? मुझसे ऑर्डर देना बर्दाश्त होता है तुमसे? अगर तुमने पूछ लिया तो लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तो क्या कोई भी एम्प्लॉई इस बात से खुश नहीं है। तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड वेल डिजर्विंग लोग यहाँ काम करते हैं। रहा सवाल ऑर्डर देने का, वो मैं तुमसे नहीं लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? आई सी, वेल फिर मैं ही नौकरी छोड़ देता हूँ, बिकॉज ऐसा मैनेजर होने का तो कोई फायदा नहीं जिसकी कोई अथॉरिटी ना हो। अच्छा जमशेद स्टॉप इट। नहीं मिशेल, मैंने ये नौकरी सिर्फ आपके कहने पर की थी और देखिए मुझे आज क्या क्या सुनने को मिल रहा है। अच्छा सुनो तो। नहीं अब यहां सिर्फ मैं रहूंगा या फिर ये, और क्योंकि मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस और डिजर्विंग है इसलिए थैंक यू। ओके स्टॉप इट, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस किसी को भी तुम्हारी अथॉरिटी से या तुम्हारे अंडर काम करने से मसला है वो जा सकता है। आप मुझे जाने को कह रही हैं? मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल इस रेस्टोरेंट को दिए हैं और आप इस घर के लड़के की खातिर? अदनान, थैंक यू मैडम, लेकिन याद रखिएगा ये शख्स एक दिन आपको और इस रेस्टोरेंट को तबाह कर देगा। जस्ट शट अप, यू शट अप। I don't work for you anymore. ये तुम से रहने की जरूरत नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? मेरे क्रोसांस पड़े हुए थे इधर, अब नहीं है, फेंक दिए मैंने। क्यों? मैंने लंच भी नहीं किया, वह मैंने खाने थे। अरे तो खराब हो गए थे, हर जगह तो मिलते हैं। फ्रिज में इतनी जगह नहीं है, मेरी अपनी पतीलियां नहीं आती हैं। इतना ही शौक है ना चीजें रखने का, अम्मा से कौन नया फ्रिज दिलवा दे तुम्हें। अगर फ्रिज में नहीं रखने थे तो मुझे दे देती, एटलीस्ट फेंकती तो ना। अच्छा बस बस, ये मत बताओ मुझे कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है। ये अपनी अम्मा का दिया हुआ, सौतेली अम्मा का दिया हुआ सबक मुझे ना पढ़ाना। अब समझ आया कि डैडी ऐसे क्यों हैं, उनकी ट्रेनिंग जो ऐसे ही हुई हुई है। क्या क्या कहा? ताई जी क्या हो रहा है? देख लो तुम्हारी दी हुई तरबियत कैसे सर चढ़ के बोल रही है। माम शी स्टार्टेड इट, उन्होंने फिर से आपको सौतेली माँ कहा है। खैर है बेटा, सौतेली ही सही, तरबियत तो सगी से बेहतर की है। एक बात सुन लो, इस बार तो तुम लोग पुलिस से बच गई, लेकिन अगर मेरे सिकंदर का मीटर घूम गया ना, फिर ना वो पुलिस देखेगा ना फौज, माफिया मांगती फिर होगी फिर उससे।
कितनी दफा कहा मैंने तुमसे कि मत इनसे बहस किया करो। मैम उन्होंने मेरी क्रोसांस फेंक दिया और मैंने लंच भी नहीं किया हुआ। अच्छा चलो बताओ मैं बना देती हूँ कुछ। नहीं दिल नहीं कर रहा। मैं जाके ले आती हूँ ठीक है ना? नहीं आपकी तबीयत नहीं ठीक। दो ब्लॉक्स दूर तो है, मैं जाके ले आती हूँ, तुम जाके चेंज करो ठीक है ना? थैंक यू। सलमा जी, अरे मैं क्या कर रही हैं आप? अगर आपने मुझसे नहीं बात करनी है तो मुझे बता दें, ये बार बार फोन बंद करने की क्या जरूरत है? भट्टी साहब, देखिए क्या भट्टी साहब, एक आदमी पागलों की तरह आपको फोन कर रहा है और आप आगे से जवाब भी नहीं दे रही हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप ये सोच रही होंगी कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, पागलों की तरह क्यों कर रहा हूँ? तो हाँ कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि मसला क्या है। क्या मैं चला जाऊँ भाई? मुझे तो आपकी बात की समझ नहीं आ रही है। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। क्या बोलो, आप कहेंगे कि लोग देख रहे हैं तो देखते रहे, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मसला क्या है आपके साथ। मैं आपको किस तरह समझाऊं? मैं आपसे कह रही हूँ मैं अभी बात नहीं कर सकती। बात कर रहा हूँ ना, आप रुक रही हैं ना, मैं इधर देख रही हूँ, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे सुनिए, क्या हुआ? देख लिया ना, हो गई तसल्ली। हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती। जब मैं कह रही हूँ मुझे बात नहीं करनी तो मुझे बात नहीं करनी। ये कैसे हुआ बताइए ना, ये कैसे हुआ है? सीढ़ियों से गिर गई थी। झूठ बोल रही हैं आप मेरे से। सच बता रही हूँ। खाइए मेरी कसम, खाइए खाइए मेरी कसम। फजूल बातें कर रहे हैं आप, क्यों मेरा वक्त जाया? आपसे झूठ नहीं बोला जा रहा है, इसलिए आप मुझे कह रही हैं कि ये फजूल बात है। बताइए ना क्या हुआ है? मैं झूठ नहीं बोल रही ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर सकती, आपसे बाद में मुलाकात होगी। देखिए मुझे बताइए क्या हुआ है, ये सीढ़ियों से गिरने का निशान नहीं है। अरे ये तो किसी के मारने का निशान। हाँ ठीक है, मारा है किसी ने, मारा है। खुश अब छोड़ दे पीछा, बाद में बात होगी। किसने मारा है? ओके मिया ने। ये क्या है? आपके लिए एक और गिफ्ट। हेलो। हेलो मिशेल, आप कहाँ हैं? थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए था बस, मैं रास्ते में ही हूँ, घर आ रही हूँ। आप नाराज हैं क्या? नहीं नाराज नहीं। फिर? खुदनान बहुत पुराना एम्प्लॉय था, शुरू से मेरे साथ था, बहुत हेल्प की थी उसने मेरी। मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर वो आपका एम्प्लॉय था और आप उसे उसके काम के पैसे देते? ऐसा नहीं है, बहुत डेडिकेटेड और ऑनेस्ट आदमी था। तो आप क्या कहना चाह रही कि मैं झूठ बोल रहा था? नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो जॉब छोड़ने की भी ऑफर की थी लेकिन आप ही ने मुझे रोक लिया था। I know. नहीं, it's just that बहुत पुरानी एसोसिएशन थी तो मैं थोड़ी सी अपसेट थी ना। It's only natural, अब प्लीज इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं। नहीं लड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि सब मेरी वजह से हुआ था। ना मैं आपकी बात मानता, ना अदनान जेलस होता और ना बात इस पॉइंट पे पहुंचती। शायद मैं आपके दोस्त के अपार्टमेंट में रहने भी नहीं आता।
जमशेद। चले हम घर वापस आ जाएं, फिर बात करते हैं। ओके। Happy birthday. Happy birthday. 12 बज गए जी, और आपने अपने डिप्रेशन में रियलाइज ही नहीं किया। ये सब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो होना है, आखिर बर्थडे किसकी? आपके इतने ज्यादा गिफ्ट्स? दरअसल मेरे साथ आपकी पहली बर्थडे है, इसलिए गुजरे हुए सालों की भी कसर पूरी करनी है। फिर तो 50-60 गिफ्ट्स लेने होंगे। देखें, आप ज्यादा परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अदनान ने जाना था, चला गया। विशु, विश हिम गुड लक। और फिक्र ना करें, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। आई नो। हाउ मिशेल, मैं जानता हूं कि मैं कभी कभी आपको बहुत इमैच्योर लगता हूँ, लेकिन जो बात मैं आपसे आज कहने जा रहा हूँ, बहुत सोचने और समझने के बाद कहने लगा हूँ। क्या? ये क्या है? आपके लिए एक और गिफ्ट। Excuse me? क्या excuse me हो? तू वो? I'm the... मत कर। जल्दी करें।
ये क्या हुआ? हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे हाल किया ही है, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। इसका हाल तो देखो, इसे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे हो तुम? अस्पताल कोई नहीं जाएगा, हालांकि बर्फ या पट्टी छटी लेकर आए जल्दी से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अस्पताल? मैंने कहा ना अस्पताल कोई नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मैं ला रही हूँ बर्फ। खजूर आप? ये क्या हुआ? हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे हाल किया ही है, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। कंगर छोड़ो भी, बता देना उसे, नहीं बचेगा। आराम से बैठा रहे आराम से। ये लो बर्फ। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? पुलिस को फोन नहीं कर सकते खाला। लेकिन इसकी हालत तो देखो। पुलिस को नहीं बताएंगे, लेकिन चुप हो जाइए आप। मैं तो बस ऐसे। मैंने कहा ना दफा हो जाइए आप, बस लीव मी अलोन। अरे बदतमीजी, देखो। अबे आराम से लगा यार। लोगों को तुम्हारे बारे में पता कैसे चला? पता नहीं, लेकिन बच्चे का नहीं मुझसे वो। मैं तुझे मना भी किया था मगिंग नहीं करते हैं। उसे मगिंग का नहीं, सलमा के मारने का ज्यादा गुस्सा था। He'll pay for this. लेकिन अब उन पैसों का क्या होगा? तुझे पैसों की पड़ी है, मेरी यहाँ जान जा रही है। अरे दो लोगों ने ये हाल किया है तो वो लोग तो। Shut up! Get lost! अकेला छोड़ दो मुझे। So what happened to your hand? Nothing. Just came in the car door. Ouch. Mark, honey, it's time to go up to bed. But I'm talking with Bari. I know, but it's late, so it's time to go up to bed. Ja, Shiza Devi. So ja. Sleep, good night. Right, good night. Honey, what happened to your hand? I know you didn't get in the car door. No, nothing. I'm good. All right. Listen, you don't have to tell me if you don't want to, but is there something I can get you? No, nothing. I'm fine. Buddy, We're having our issues, but I am still your wife. And listen, about that other thing, I know you don't want to talk about it, and that's fine. Sometimes we just need time. Take your time. Apna vakt le lo. Why different today? You know, I like to surprise you, like I used to in the early days. Good night. I'll see you upstairs. अब तो बहुत बेहतर हो गया है। I don't know how to react. मारने पे गुस्सा भी आ रहा है और ईमान की हरकत से खुशी भी हो रही है और जो भट्टी साहब ने किया उससे सुकून भी मिल रहा है। सब भट्टी साहब ने बहुत बुरी तरह मारा है सिकंदर को। ओ प्लीज, मैं इसकी जगह होती तो सिकंदर को जान से मार देती। You don't need to feel guilty, okay? He deserves this. मैं गिल्टी नहीं फील कर रही, मुझे बस ये हो रहा है कि इस हरकत के बाद जो उनके ताने हैं ना वो और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे। कौन से ताने? यही कि मेरे और भट्टी साहब के बीच में कुछ है। तो नहीं है क्या?
आलिया, किसको बेवकूफ बनाना चाह रही हो? खुद को? मैं और भट्टी साहब सिर्फ दोस्त हैं। ओह, ऐसे दोस्त जो सिर्फ एक दूसरे की कंपनी में ही खुश रहते हैं, हाँ? ऐसे दोस्त जो हमेशा मिलते रहते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और फिर भी कह रही हो कुछ नहीं है? बस, that's it. कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, ये सब गलत हो रहा है और इस सब चीजों को मैं खत्म करने जा रही हूँ. That's it. एक बात बताऊं बड़ी साहब, आपको मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा. यार देखा तो मैंने भी नहीं, कभी भी नहीं. क्या ख्याल है, वो पुलिस के पास जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करेगा. और फर्ज कर अगर वो चला भी जाता है ना पुलिस के पास, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा नाम नहीं आने दूंगा. यार ये मेरा मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ कहना कि अपना ध्यान रखे आराम से. और सब पता है पट्टी को, क्यों फिक्र करता है? बड़ी साहब वो आ रहे हैं. अच्छा जरा काम है, मैं चलता हूँ. अरे आप यहाँ हैं? आपको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, मैं ढूंढ सकती हूँ तो सिकंदर भी ढूंढ सकता है. डराने आई हैं? आप डरते होते ना तो ये ना करते जो किया आपने. चलो जी, क्या हो गया आपको? कम से कम आज के बाद वो किसी को मांग तो नहीं करेगा ना. किसी औरत पे हाथ उठाने से पहले कम से कम 150 बार सोचेगा जरूर. आपको यही करना था तो आप में और सिकंदर में क्या फर्क हुआ? देखिए शर्मा जी, जो कुछ उसने मेरे साथ किया ना, उस माफ कर दिया मैंने उसे, माफ कर दिया. लेकिन ये जो आपके मुंह पे निशान है, इसको देखकर नहीं काबू रहा मुझे अपने गुस्से पे, तो बस हो गया दिमाग खराब. क्या पट्टी को गुस्सा नहीं चढ़ सकता? एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा आपने कि ये करने के बाद मेरे साथ क्या होगा? वो मुझे आपके साथ देख चुके हैं. तो ये तो और भी अच्छी बात है, है? हाँ, कि उनको मालूम हो गया, कम से कम आप आसानी से भूलेंगे नहीं वो. हाँ, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अब प्यार कर. पहली बार कह रहा हूँ जी, पहली बार. और आप तो जानती हो, हैं? हाँ, क्या आप मेरे बारे में? शादीशुदा हैं हम दोनों, शादीशुदा हैं हम दोनों. वो जानता हूँ जी, जानता हूँ. मुझे एक बात बताइए, क्या दिया है हमें शादी में? क्या दिया है? सिवाय दुख परेशानी के, रुसवाई के, और क्या मिला है मुझे बताइए ना. क्या सारी जिंदगी इसी जहन्नम में गुजारनी है आपने और मैंने, हैं? हाँ, हमें भी तो हक है ना अपनी खुशियों पे, कि नहीं है? गलत है ये सब, ये सब गलत है. क्या गलत है? नहीं सलमा जी, मैं ये सब नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये सब. सलमा जी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. कम से कम रोए तो. एक सेकंड सलमा जी, अम्मी जी का फोन. हेलो अम्मी जी, मैं थोड़ी देर में करूँ आपको वापस फोन, है? नहीं बेटा नहीं, बड़ी मुश्किल से तेरा टेलीफोन मिला, मेरी बात सुन ले, मैं बड़ी फिक्रमंद हूँ. उम्मीद जी खैर है? अब बेटा उम्मीद जी खुदा का वास्ता, कम से कम खांसी का इलाज तो सही करवाएं आप.
दवाई नहीं ले रही ना है? हाँ? अरे मेरी खांसी को छोड़, तू मेरी बात सुन, जमशेद से मुलाकात हुई? नहीं क्यों, क्या बात है, मुझे खैर है, है? हाँ? बेटा कल उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि वो किसी लड़की से शादी करने लगा है। शादी? हाँ। कौन है वो लड़की, तू उससे मिला है? हैं? हाँ। नहीं नहीं मैं नहीं मिला उससे। क्या चक्कर है? क्या लगता है पैसे मना रही हो, है मुलाजिम भी रखी हो? शुश, मजाक मत करो, मुलाजिम नहीं है, मेरा नेबर है। अपनी हाल की वजह मुझे ना बताएं, सड़कों पे लोगों को लूटने से पहले सोचा करें ये बात। जबान निकल आई तेरी। और आपने मारिया को शादी का बताया? क्यों, आप तो उसे घबरा रही हैं जैसे वो आपकी नहीं, आप उसकी छोटी बहन। तुम्हें कुछ नहीं पता, उसके सामने मैंने हमेशा से एक कंपोज्ड और रोबदार इमेज रखा है। तो रोबदार लोग शादी नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन सुनो एक काम करो। बोले तुम उसे बता दो। हाँ मैं सोच सकता हूँ कि कैसा लगेगा। फोन करूंगा, मैं कहूंगा हेलो मारिया, आप मुझे नहीं जानती लेकिन आपकी बहन मिशेल मुझसे शादी करने वाली है, मेरा नाम जमशेद। अच्छा मजाक ना उड़ाओ। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप मुझसे शादी करते हुए एम्बेरस तो नहीं फील कर रही? तुमसे शादी नहीं, शादी करने की बात मुझे जरा वियर्ड लगती है। आफ्टर ऑल इतने अरसे से मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ और मेरे आसपास के लोग भी मेरे बारे में यही ओपिनियन रखते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करूँगी ना। मैं हूँ ना। थैंक यू। एक काम करते हैं, आप मारिया को ईमेल कर दें। मारिया ईमेल के बाहर आ जाएगी। मैं देखता हूं। और अब जो रेस्टोरेंट वालों को पता चलेगा तो फिक्र ना करें, बहुत मजा आएगा। हाय सॉरी, अपार्टमेंट 32। ये मिशेल का अपार्टमेंट है, मैं रिजवान हूं। आई नो। ओह माय गॉड रिजवान, तुम कब आए? हैप्पी बर्थडे। व्हाट अ सरप्राइज। या फिर व्हाट अ डे फॉर अ सरप्राइज। यार मुझे पहले पहुंचना था मगर बारिश की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। तो कल जब मैंने फोन किया था गिफ्ट के लिए तब नहीं बता सकते थे? अगर बता देता तो ये एक्साइटमेंट तो नहीं मिलती ना। सारी बातें यहाँ करवाओगे या बिठाओगे? चल चल कम इन सिट, गुड टू सी यू मैन। गुड टू सी यू टू। और बताओ बर्थडे कैसी रही? द यूजुअल, अकेली बैठी रही होगी? जी ऐसे भी कोई बात नहीं है। ओ जमशेद, रिजवान, रिजवान ये जमशेद है। जी हमारी मुलाकात हुई थी पहले। कॉफी राइट, मैं बनाती हूँ। मैं बनाता हूँ कॉफी। नहीं नहीं तुम दोनों बैठो, मैं बनाती हूँ। नहीं आप लोग बैठ के बातें करें, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं तो यू मस्ट कैच अप, मैं आता हूँ। थैंक यू। क्या चक्कर है? क्या लगता है पैसे मना रही हो, है मुलाजिम भी रखी हो? शुश मजाक मत करो, मुलाजिम नहीं है, मेरा नेबर है। आप कॉफी कैसे लेंगे, ब्लैक या विद मिल्क? विद मिल्क। वो मैं जानता हूं आपको कैसी कॉफी पसंद है। थैंक्स। अगर मुलाजिम नहीं है तो फिर क्या है?
रिजवान, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी क्या वो क्या वो आई एम गोइंग आउट टू जमशेद. व्हाट? तुम और गोइंग आउट? जी आहिस्ता. वाह, हम शादी भी करने वाले. क्या? क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही हो. काम पे जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने? वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा. इसलिए मैंने पीछे आया था ना. अपनी हाल की वजह मुझे ना बताएं. सड़कों पे लोगों को लूटने से पहले सोचा करें ये बात. जबान निकल आई तेरी, तेरी हिम्मत कहां से है? उसने दी बहस नहीं करनी मुझे आपसे. तो करना था तो उसने कर लिया. याद रखना, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं. ऐसा हाल करूंगा तू भी नहीं बचान पाएगी उसे. देर हो रही है मुझे. उससे मिलने जाना है ना? किसी से मिलने नहीं जाना. मेहमान को बताइए तुमने अपनी यारी के बारे में. कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसके बाप को जान से मारना चाहता है. चल ही जाना. याद रखना, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं. मिशेल बता रही थी आप शिकागो चले गए थे. हाँ, बस लकली वापस पोस्टिंग हो गई मेरी. एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क बड़ा मिस करता था यार, बड़ी यादें हैं यहाँ पे. शहर को या रेस्टोरेंट को? हेलो हेलो. जी अम्मी. बेटा क्या हुआ मेरे काम का? कौन से काम का? वो ही अरे मी, काम को छोड़िए, पहले ये खांसी का इलाज तो करवाइए प्रॉपरली. अरे हाँ, ठीक हो जाएगी. तू ये बता, जमशेद से बात की थी तूने? नहीं अम्मी, मेरा नहीं किया. इमरान, उसका पता कर, मैं इधर परेशान हूं. अरे अम्मी, अब मैं क्या कर सकते हैं? समझदार लड़का है, अगर शादी करना चाह रहा है तो कर ले, क्या करें आप. ना लड़की कौन है वो? अरे आपने और मैंने थोड़ी जिंदगी गुजारनी है. उसने गुजारनी है, उसको पसंद है, बात खत्म. हम उसे बता तो सकते हैं, उसके बड़े हैं हम. इमरान, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? अरे नहीं अम्मी. पिछले कुछ अरसे से तू मुझे उलझा उलझा सा लग रहा है. अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है. अम्मी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, दरवाजे पे कोई है. बंदा कीजिएगा. हाँ हेलो अम्मी, आप ठीक है? Oh, it's you, Mark. Come, buddy. Come, my boy. Allah kare, aap bilkul theek ho jaye. Yes. Oh, the kids are fine. Thank you. What you doing? What? Oh, what you doing? I was talking to Ami. And why? I wanted to reconnect with her. It's been a really long time. Listen, why doesn't she come to America? I'll get her a visa. I'll sponsor her. She can't travel. Health issue. Well, we'll go see her. I've never met your family, Imran. I would love to meet them, and the kids would, and let's go. And they're our family.
Jamshed also my family. You know what you do to him? हेलो हेलो हाउ आर यू कहीं जा रहे थे नहीं बस ऐसी बाहर फ्रेश एयर हाँ इट्स नाइस मिशेल नहीं अंदर हाँ आई नो बस अभी रास्ते में मेरी उससे बात हुई थी या बाय द वे मुबारक हो सुना है तुम्हें यहाँ का मैनेजर बना दिया गया थैंक यू मिशेल बता रही थी काफ़ी हार्ड वर्किंग होता हूँ कुछ हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है या ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा मिशेल को यही कहता था कि यहाँ के लोकल गोरों के मुकाबले में इंडियंस बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मगर मैं पाकिस्तानी हूँ सॉरी मतलब मेरा कि देसीज बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली मैं खुद इंडियन हूँ तो इसलिए मिशेल बता रही थी आप शिकागो चले गए थे हाँ बस लकली वापस पोस्टिंग हो गई मेरी एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क बड़ा मिस करता था यार बड़ी यादें यहाँ पे शहर को या रेस्टोरेंट को दोनों ही में एक्चुअली जैक्सन डायनन मेरी आंखों के सामने ही बना था हाँ मुझे पता चला आपने इसे स्टार्ट करने में बड़ी हेल्प की थी मैंने कहाँ हेल्प की थी वो तो सारी मेहनत अपनी मिशेल की थी हाँ लेकिन मेहनत सभी करते हैं फिर मिशेल बहुत लकी है कि आपकी नज़र उस पर पड़ गई और आज तक है एक्सक्यूज मी क्या आई मीन आजकल इतना साथ कौन देता है सॉरी मुझे देर हो गई नहीं इट्स ओके मैं वैसे ही जमशेद से बातें कर रहा था तो अंदर नहीं गए नहीं बहुत देर हो गई है सबसे मिले हुए बाय द वे अदनान कैसा है अदनान अब यहाँ नौकरी नहीं करता क्या अदनान अब काम नहीं करता नहीं उसने छोड़ दी नौकरी अंदर चलो ना नहीं लेकिन क्यों उसको मेरे मैनेजर होने से मसला था मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता था इसलिए अच्छा खैर छोड़ो कम ऑन लेट्स गो इनसाइड उस आदमी ने तुम्हें लिटरली पालतू जानवर की तरह रखा है और उसके बावजूद तुमने उसकी बेटी उसकी अम्मी उसके पूरे खानदान का ख्याल रखा है मतलब लिटरली पाला है यहाँ तक कि आज उसकी बेटी की फिक्र उससे ज्यादा तुम्हें है तुम्हें एहसास नहीं कि तुम पर तशद्दुद हो रहा है तुम भट्टी को अपनी अपनी बर्दाश्त और सब्र का सिला समझो जैसा तुम सिला कह रही हो ना आलिया सारी दुनिया उसे बेवफाई कहेगी कौन सी दुनिया जो तुम्हारे मार खाने पर और बेइज्जत होने पर खामोश रहती है उस दुनिया की फिक्र है तुम्हें तुझे वो डेविड याद है डेविड कौन गन्स वाला वही जो चोरी की बेचता है उसे कह के एक पिस्टल मंगवा ले दोबारा से पिटने का इरादा है या फिर इस दफा तुम उसके साथ हो तुम बस कर दे ताई बहुत हो गया मिशेल तुम्हारी बहुत तारीफ करती है लकी आदमी हो क्योंकि वो मेरे अलावा किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करती थी बहुत क्लोज थे आप लोग नहीं थे नहीं हैं आई नो सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि सब कुछ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ सिवाय एक बात के रिजवान आपसे प्यार करता था